Welcome to another video of Pullback Indicators. Today was a very boring day and did not expect such kind of movement. तो फिर भी आज की ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं. एंड टुडे इज 2nd November. तो ये बैंक निफ्टी की चार्ट है एंड राइट नाउ करेंटली आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट इंडिकेटर विच इज पुलबैक. जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सीपीआर बैंड, बाय सेल सिग्नल्स एंड ये दो मूविंग एवरेजेस ऑटोमेटिकली चार्ट पर अप्लाई होता है. आपको कोई भी अलग से चार्ट ड्रॉ नहीं करना है. तो पुलबैक के स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है. अगर सीपीआर बैंड नैरो है तो इसका कलर डार्क होगा. दैट मींस आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लेवल पर आप बाय एंड सेल कर सकते हैं. एंड अगर सीपीआर बैंड वाइड है तो बैंड कलर लाइट होगा. दैट मींस आप सिर्फ सपोर्ट पर बाय करेंगे एंड रेजिस्टेंस लेवल पर सेल करेंगे. तो टुडे सीपीआर बैंड वॉज नैरो. तो सबसे पहले बाय सिग्नल मिला है बट सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के अंदर है. अगर सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के अंदर है तो यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड. उसके बाद अराउंड दिस लेवल 1245 पर एक सेल सिग्नल मिला था. एंड जब भी सेल सिग्नल मिलता है सिग्नल कैंडल हमेशा ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होना चाहिए. तो आपको इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर पुट बाय करना है एंड प्रीवियस कैंडल की हाई होगा स्टॉप लॉस. बट उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ. आई थिंक अ मूवमेंट ऑफ 80 और 100 पॉइंट्स, उससे तो कुछ खास होता भी नहीं है. बट एज कंपेयर टू यस्टरडे, कल एक अच्छा मूवमेंट मिला था बैंक निफ्टी पर. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर इंडिकेटर्स विच इज पुलबैक प्राइस एक्शन, पुलबैक मोमेंटम एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट. जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं आपको चार अलग अलग इंडिकेटर मिलता है. वन इज पुलबैक, पुलबैक प्राइस एक्शन, पुलबैक मोमेंटम एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट. ये चारों इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर में मर्ज्ड है. तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन भी यूज कर रहे हैं आप ये चारों इंडिकेटर एक साथ यूज कर पाएंगे बिकॉज दिस फोर इंडिकेटर्स इज मर्ज्ड इनटू वन एंड इट विल बी काउंटेड एज वन इंडिकेटर. तो पुलबैक प्राइस एक्शन पर बेसिकली डिमांड, सप्लाई एंड ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड मिलता है एंड पुलबैक मोमेंटम पर बाय सेल सिग्नल मिलता है अलोंग विद द ऑर्डर ब्लॉक. एंड रेंज ब्रेकआउट पर, पुलबैक रेंज ब्रेकआउट पर जब भी कोई रेंज ब्रेक होता है तो वी गेट अ रेंज ब्रेकआउट सिग्नल. तो सबसे पहले देखिए इस लेवल पर 10 बजे बाय सिग्नल मिला, ये हमारे सेटअप के बाहर है. उसके बाद सेल सिग्नल अगेन इग्नोर, देन वी गॉट अ रेंज ब्रेकआउट. जब भी आपको रेंज ब्रेकआउट मिलता है आपको एक टूल दिया जाता है विच इज ट्रायंगल एक्सटेंडेड लाइन. विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एंड लाइन चार्ट हमें वेरीफाई करना होता है कि वेदर दिस रेंज ब्रेकआउट इज फेक और अ जेन्युइन वन. तो एज पर आर रेंज ब्रेकआउट, तो लाइन चार्ट के हिसाब से हम सेल पोजीशन तभी लेंगे व्हेन प्राइस विल गो बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड मैंने ये अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो आपको डिमांड जोन दिख रहा है, इन द मॉर्निंग द डिमांड जोन वाज हियर ऑन दिस लेवल. तो मैंने दोबारा एक पोस्ट किया कि इवन इफ प्राइस गोज बिलो दिस, नीचे एक डिमांड जोन है, तो दैट मीन्स इट इज अ नो ट्रेडिंग जोन. आप यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे. तो जब आप पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को भी आप दूसरे इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो आपको ना कई सारे फेक सिग्नल्स या आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कहां पे ट्रेड लेना है, कहां पे ट्रेड नहीं लेना है, कहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टेकिंग द ट्रेड. अगर यहां पर कोई भी डिमांड जोन नहीं होता तो क्लियर कट एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम कहीं इस लेवल पर जो है पुट बाय कर लेते. बट सिनेरियो वैसा नहीं था तो आई हैड अलर्टेड इन द टेलीग्राम कि यहां पर दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, वेट एंड वॉच. एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है देन आई विल गिव द लिंक ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज प्राइस एक्शन इंडिकेटर अलॉन्ग विद दी अदर इंडिकेटर्स. एंड अगर मैं आज निफ्टी की बात करूं तो देखिए क्लियरली
विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन इंडिकेटर हमें सप्लाई जोन पर ट्रेड मिला है। जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन को छुआ एंड धीरे धीरे नीचे आने लगे तो यू हैव टू टेक द ट्रेड समवेयर हियर एंड द स्टॉप लॉस विल बी जस्ट लिटिल बिट अबव द योर सप्लाई जोन। एंड देखिए निफ्टी भी धीरे धीरे इट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड फॉर द एंटायर डे। एंड एक बार क्रूड ऑयल की चार्ट को भी देख लेते हैं तो सबसे पहले ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल देर वॉज अ सुपर बाई। सुपर बाई मतलब जब रेंज ब्रेकआउट एंड पुल बैक मोमेंटम सेम कैंडल पर बाई सिग्नल दे रहा है इट इज कंसिडर्ड एज सुपर बाई। एंड जो आपको यहाँ पे स्क्रीनर है स्क्रीनर पर भी आपको एज ए सुपर बाई डिस्प्ले होगा। तो सुपर बाई का कंसेप्ट है कोई भी एक कैंडल जो सुपर बाई की सिग्नल कैंडल की हाई को क्रॉस करके क्लोज दे आपको वहीं पर एंट्री लेना है। बट यहां पर आपका एंट्री होगा नहीं क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो पहले से आ रहा है इट इज कंसिडर्ड एज ए वाइटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप देखिए इसको तोड़ नहीं पाया कोई भी एक कैंडल इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके क्लोज नहीं दे पाया तो इस पर तो ट्रेड हुआ नहीं। उसके बाद देखिए एक सेल सिग्नल मिला है एंड सिग्नल कैंडल भी बिल्कुल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। यहां पर वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इस लेवल पर आज बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। द रीजन इज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है जब भी आप ट्रेड लेते हैं हमेशा जो आपके स्टॉप लॉस है उसके ऊपर कुछ बफर पॉइंट्स ऐड कीजिए तो काइंडली रेफर टू दैट वीडियो। अगर किसी ने आज बफर पॉइंट्स ऐड किया है तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से बच गया जिन्होंने बफर पॉइंट्स ऐड नहीं किया उनके आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाता है देन नॉट एन इशू क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट्स का है। एंड अगर मैं कल की ट्रेड देखूं यस्टरडे देयर वाज अ बाई सिग्नल जिस पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स दिया है फ्रॉम दिस लेवल ये प्रीवियस डे का चार्ट है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाता है आपको कोई एक ट्रेड पर 150 पॉइंट 200 पॉइंट मिल रहा है देन 30 पॉइंट स्टॉप लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको लेने के लिए कभी कुछ देना भी पड़ता है। तो ये गोल्ड स्पॉट की चार्ट है अभी तक कुछ खास ट्रेड मिला नहीं है एज कंपेयर टू यस्टरडे तो मार्केट इज स्टिल ओपन लेट्स सी अगर बाद में कोई वैलिड सिग्नल मिलता है तो। एंड अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो अदानी चार्ट इज ऑन माय टॉप प्रायोरिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज अदानी पोर्ट्स पर ना तो बाई ट्रेड मिला ना सेल ट्रेड मिला अदानी फॉर द एंटायर डे वॉज इन अ साइडवेज और आप कहीं पे भी आज लेते तो आप फंस जाते हैं। तो दिस इज हाउ यू नो पुल बैक मोमेंटम इंडिकेटर एक्चुअली सेव्स यू फ्रॉम फेक बाई एंड सेल। तो अदानी पर आज जो भी सिग्नल्स मिला ये हमारे सेटअप के बाहर है सिर्फ एक ही सिग्नल पर वैलिड सेटअप था बट ये सिग्नल भी ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने के 15 मिनट पहले आया तो इस पर तो ट्रेड लेने की कोई मतलब भी नहीं है। देखिए अगर आप स्टॉक्स पर इंट्राडे करते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए एंड आउट ऑफ दैट निफ्टी 50 स्टॉक्स आप कोई भी अच्छा 5 स्टॉक्स को बैक टेस्ट करके चूज कीजिए एंड उसी पर ट्रेड लीजिए तो आपको एट द एंड आप प्रॉफिट में रहेंगे। मोस्टली आई फोकस ऑन दी स्टॉक्स। तो ICICI बैंक की चार्ट देखिए ऑलमोस्ट कुछ खास है नहीं बट जो फर्स्ट कैंडल है ये भी सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट छूने के बाद देन धीरे धीरे नीचे आ गया। कुछ और स्टॉक्स पर भी बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ आज की एक्सिस बैंक अगेन नो ट्रेड। एंड अगर मैं हिंडाल्को की चार्ट देखूं तो इस सेटअप पर सिर्फ एक ही ट्रेड है यहां पर बट इसको मैं ट्रेड नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज जो स्टॉप लॉस है दैट इज मोर देन 1% क्योंकि अगर आप इस क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड लेते हैं आपका स्टॉप लॉस होगा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो इफ आई काउंट दी स्टॉप लॉस इट इज अराउंड 1%। जब भी आप ट्रेड लें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस 0.5% या 0.5% से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए उसके ज्यादा नहीं। तो यहां पर स्टॉप लॉस कहीं बहुत ज्यादा हो रहा था तो नो ट्रेड हैपेंड इन हिंडाल्को।
एंड अगर मैं आज की आईटीसी की चार्ट देखूं तो आईटीसी पर आज दो बैक टू बैक बहुत ही शानदार ट्रेड मिला. द फर्स्ट वन वाज रेंज ब्रेकआउट ऑन दिस कैंडल. ये वैलिड रेंज ब्रेकआउट है. एंड देखिए फ्रॉम आईटीसी फ्रॉम 350 इट वेंट अप टू 356. उसके बाद जो सप्लाई जोन है सप्लाई जोन को छुआ एंड धीरे धीरे फिर नीचे आने लगे. अगेन यू कैन एंटर समवेयर हियर. एंड देखिए फिर यहाँ से भी एक छोटा सा प्रॉफिट दिया है. तो आईटीसी में आज बैक टू बैक दो ट्रेड मिला है एंड बोथ दी ट्रेड्स वेंट वेल. एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. लॉस होने से अच्छा है कि ट्रेड ना मिले. टिल दैट टाइम कीप लर्निंग. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.